हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डार्क मोड के बारे में। बेसिकली आई नो दैट कि आप लोगों से सभी को, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि डार्क मोड क्या होता है। और जिन लोगों को नहीं पता डार्क मोड क्या होता है, उनके लिए सिंपल सा समझ लो कि यार एक ब्लैक सा स्क्रीन हो जाता है आपके फ़ोन का और बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपका फ़ोन का लुक। साथ ही साथ ये आपके फ़ोन के लिए भी बेटर है और आपके लिए भी बेटर है। ये आपके आई को बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेन रहता है उसको रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आपके फ़ोन के जो बैटरी लाइफ होती है उसको एक नंबर कर देता है और बहुत अच्छा लुक देता है। और आजकल बहुत सारे ऐप्स में डार्क मोड का फीचर आ रहा है। ऑफिशियली व्हाट्सएप में भी बहुत जल्द डार्क मोड का फीचर आने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फुल फोन को कस्टमाइज कर सकते हो डार्क मोड में। अगर आप चाहते हो कि आपका नॉर्मल फोन है आप उसे पूरा का पूरा डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऐप्स में जिनमें ऑफिशियली डार्क मोड का फीचर आ चुका है वो भी बताने वाला हूँ। आप कैसे व्हाट्सएप में डार्क मोड का यूज़ कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ। बट अभी ऑफिशियली यार व्हाट्सएप में डार्क मोड नहीं आया हुआ है, तो बट आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप में डार्क मोड यूज़ कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, आपको यार इस वीडियो को एक लाइक करना है, एक लाइक तो बनता है। सो इस वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, आपको सारे के सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज के इस वीडियो में आपको फेसबुक मैसेंजर का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का एंड बहुत सारे ऐप्स का डार्क मोड बताने वाला हूँ। सो बस स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किया ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन और आ चुके हैं स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क मोड के बारे में। सो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो ट्रिक आ रहा है या सबसे पहला जो डार्क मोड आ रहा है वो आ रहा है फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में। आपको कैसे इनेबल करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर और वहाँ पर आपका जो फेसबुक मैसेंजर है उसको कम्प्लीटली अपडेट कर लेना है। अगर आपका फेसबुक मैसेंजर अपडेट नहीं है तो हो सकता है शायद आपको ये फीचर ना मिल पाए, इसलिए आपको क्या करना है फेसबुक मैसेंजर को अपडेट कर लेना है। देन आपको क्या करना है, आपको अपने चले जाना है फेसबुक मैसेंजर में, आपको कोई भी एक चैट को ओपन करना है। चैट ओपन करने के बाद आपको सिंपली उसके मैसेज बॉक्स में जाना है और आपको ये जो यहाँ पर इमोजी का आइकन होता है आपको सिंपली इमोजी के आइकन पर टैप करना है और यहाँ पर स्टिकर, जिप्स और इमोजी मिल जाएंगे। तो आपको थर्ड नंबर वाले इमोजी आइकन पर टैप करना है, इमोजी पर चले जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे इमोजीज देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो थर्ड वन वाला है बियर वाला शेप, आपको इस पर आना है और जहाँ पर ये वाला इमोजी को यहाँ पर मूव करना है, नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आना है और जहां पर आपको ये मून वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको सिंपली इस पर टैप करना है। एक बार ही सिर्फ आपको एक बार इसको सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे एक एनिमेशन आएगा अच्छा सा और आपको एक बार एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव फाउंड डार्क मोड, टर्न ऑन इन सेटिंग। तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, टैप करना है और यहां पर सिंपली यहां पर देखिए आपको डार्क मोड मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हो, आपको सिंपली क्या करना है अपने चैट से बैक जाना है और अपने प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है तो भी आपको यहां पर देखिए आपका जो प्रोफाइल होगा वहां पर आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। और यार आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप सिंपली फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। सो आपको सिंपली डार्क मोड को इनेबल कर लेना है एंड दैट्स इट। अभी यहाँ पे देखें एक पॉपअप आ रहा है कि आपका ये जो डार्क मोड वाला है अभी टोटली वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी ये वर्क चल रहा है, प्रोग्रेसिंग है और फिलहाल अभी ये मतलब कंप्लीटली नहीं है। सो एवरीवेयर नहीं दिखाई देगा अभी। सो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ओके कर देना है एंड हियर इट। तो आपका डार्क मोड जो है इनेबल हो गया। अब आप मस्ती से, ढंग से, मज़ेदार तरीके से डार्क मोड को यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लुक लगता है आपके मैसेंजर में। सो कुछ इस तरह से आप डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं। और जब भी कभी आपको यूज़ नहीं करना है डार्क मोड तो सिंपली आपको प्रोफाइल पर टैप करना है और डार्क मोड को ऑफ़ कर देना है, तो इस तरह से डार्क मोड वापस से ऑफ हो जाएगा और ऑन करने के लिए वापस से आपको टैप कर देना होगा। जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो स्पेशली यूट्यूब के लिए है और यूट्यूब का कुछ टाइम पहले डार्क मोड आ गया था। अगर आपने अभी तक यूट्यूब का डार्क मोड नहीं देखा है और आप एनेबल करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको सिंपली सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अपने यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लेना है, उसके बाद सिंपली आपको यूट्यूब ऐप पर चले जाना है। तो डार्क मोड यूट्यूब के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, यूट्यूब पूरा ब्लैक हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली लाइब्रेरी पर चले जाना है और यूट्यूब के डार्क मोड पर मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दिया हुआ है ऑलरेडी, का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाय द वे बताया मैंने यही है कि आपको डार्क मोड कैसे इनेबल करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो है। सो आपको अपना प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है और यहां पर आपको नीचे सेटिंग्स ऑप्शन का नजर आता है,
तो यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग्स ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपको सिंपली सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपको सिंपली जनरल सेटिंग पर टैप करना है और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन आएगा डार्क थीम, तो आपको सिंपली डार्क थीम को ऑन कर लेना है। एंड यस इट इज़, आपका जो काम हो गया, अब आपका जो यूट्यूब है वो भी डार्क मोड में आ चुका है और अब आप ब्लैक स्क्रीन में काफ़ी कूल तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से अपने वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हो, वो भी इसलिए यूट्यूब पर। और यूट्यूब यार आजकल बहुत ज़्यादा ऐड दिखाने लगा है। सो यार अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक वाइक कर देना वीडियो को, अभी और टिप्स ट्रिक्स आ रही है। सो यार 14379 हो गया है, सो सब्सक्राइब करो यार अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ट्विटर के लिए, तो आपको ट्विटर को भी प्ले स्टोर से जाके कम्प्लीटली अपडेट करना है। आप चाहे ट्विटर यूज़ कर रहे हो या फिर ट्विटर लाइट यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली ट्विटर पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली प्रोफाइल आइकन पे टैप करना है। और ट्विटर में काफ़ी टाइम पहले से डार्क मोड आ चुका है, अगर आपको नहीं पता हो शायद, तो आपको सिंपली प्रोफाइल पर टैप करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आते हैं नज़र, डेटा सेवर और डार्क मोड। तो आपको जो नीचे वाला डार्क मोड है आपको सिंपली इसको इनेबल करना है और यस इट इज़ का काम हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर पर डार्क मोड आ चुका है। तो आपको बेसिकली बहुत सारे लोग, जो मेरी ऑडियंस है उसमें ट्विटर का काफ़ी सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो जो लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते हैं वो लोग भी आ जाओ ट्विटर पर, क्योंकि ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अपने यार मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो @sachin6935 8685। तो काफ़ी बड़ा यूज़र नेम है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में बनाया था। सो ट्विटर पर फॉलोवर्स भी नहीं है यार ज़्यादा, 273 फॉलोवर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट यार जो भी रहता है वो यार देता हूँ। सो आप यार मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पर। नेक्स्ट डार्क मोड आ रहा है व्हाट्सएप में। सो व्हाट्सएप में यार डार्क मोड नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप में अभी तक डार्क मोड नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा ऐसा आपको सुनने को मिला होगा। मैंने भी अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि डार्क मोड बहुत जल्द आने वाला है। तो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप में आप डार्क मोड कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप अपने पूरे प्रॉपर व्हाट्सएप में तो आप देखते हो कि पूरा वाइट्स और ग्रीन आता है, बट अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा डार्क मोड जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप जो चैट ऑप्शन पे जाते हो आपको वहाँ पर जाना है, थ्री आइकन पे या थ्री डॉट आइकन पे टैप करना है। सिंपली यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर करके ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली वॉलपेपर पे चले जाना है और यहाँ सॉलिड कलर पे चले जाना और यहाँ पर आपको सिंपली ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर ले लेना है। तो इससे ऐसा लगता है कि आपका जो यहाँ पर पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड रहता है वो ब्लैक हो जाएगा और इसे ये देखने में ऐसा लगता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क मोड टाइप का है। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो व्हाट्सएप के लिए, बट अगर आपको फिर भी ये पसंद नहीं आ रहा है सो मैं आपको प्रॉपर वे बताता हूँ। लेकिन ये वे काम करेगा सिंपली MI के डिवाइसेस पर या फिर Xiaomi के डिवाइसेस पर, Redmi वगैरह या आप जो भी यूज़ करते हो। सो आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी MI यूज़र हो, आप MI का फ़ोन यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली थीम्स पर चले जाना है। आपके फ़ोन में थीम्स का एक पूरा प्रॉपर ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप थीम्स डाउनलोड कर सकते हो, म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं MI में। तो आपका ये जो थीम्स वाला ऑप्शन रहता है आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और आपको क्या करना है, सिंपली थीम के सर्च बार में जाना और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप कर देना है डार्क। यस आपको सिंपली टाइप कर देना है डार्क और यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स नज़र आ जाएंगे, एटलीस्ट काफ़ी सारे हैं, वॉलपेपर्स भी हैं और थीम्स भी हैं। तो आपको जो थीम्स हैं आपको उन पे चले जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थीम्स आ रहा है, मैं इसको व्यू ऑल कर देता हूँ। तो यहाँ पे थीम्स में काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं, ये देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर्स, वो काफ़ी सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर ये चेक कर लीजिएगा किस में काम करेगा, व्हाट्सएप में या किसी में नहीं करेगा। सो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे डार्क मोड है और मैंने जो किया हुआ है जिसमें आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको डाउनलोडेड में दिखा देता हूँ थीम्स में। तो मैंने यहाँ पे किया है डार्क ग्रे पाई वाला, तो इसमें क्या है डार्क ग्रे पाई वर्जन 1.1, तो इसमें क्या है व्हाट्सएप का भी जो है ऑटोमेटिकली ब्लैक कर देता है पूरा यू। तो आपको सिंपली इस थीम को इंस्टॉल कर लेना है और अप्लाई बटन पर सेव कर देना है। तो चलिए हम अप्लाई कर देते हैं। सो एज यू कैन सी कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे देखिए मैंने जो थीम इंस्टॉल कर लिया है, थीम इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यार देखने को मिल जाएगा अपने फ़ोन स्क्रीन पर। अगर आप MI यूज़र हो, अगर आप Redmi या Xiaomi के फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको देखने को, तभी आप ये थीम्स डाउनलोड कर पाओगे और ये स्पेशली फॉर Xiaomi यूजर्स के लिए है। तो आपको यहाँ पे देखना है आपका जो पूरा फ़ोन है वो ब्लैक हो जाएगा। अब मैं आपको WhatsApp में चलता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे WhatsApp को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा WhatsApp जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो चुका है। तो काफ़ी सही है अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और अगर आपको डार्क मोड चाहिए WhatsApp में आने से पहले, सो आप इसका यूज़
कर सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये थीम काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा मस्त है, बिकॉज ये क्या करता है पूरे फ़ोन को कर देता है। तो आप देख सकते हैं, आप फ़ोन के अंदर कहीं पर भी जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, कहीं भी ऑप्शन पर टैप करते हैं तो वो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो आप इस थीम का या फिर इसके अकॉर्डिंग या इसके मिलते जुलते रिलेटेड कोई भी आप डार्क थीम यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आए। मैंने ये वाला इस वजह से सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें व्हाट्सएप को भी डार्क मोड में कन्वर्ट कर दिया है। और एक चीज़ और बता दूँ कि फेसबुक लाइट में जो यार वो डार्क मोड जैसा फीचर आने वाला है या मिला, आपने देखा होगा आपका जो फेसबुक है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश टाइप का हो गया है, तो जो आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो फेसबुक जो है वो भी यहाँ पे लाइट है वो भी थोड़ा थोड़ा डार्क मोड की तरह वर्क कर रहा है। इसका जो सर्च बार है वो ब्लैक हो गया है, ब्लैक और वाइट हो गया है। तो अभी प्रॉपर डार्क मोड तो नहीं है, बट आई थिंक शायद हो सकता है फेसबुक लाइट भी डार्क मोड ला रहा है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, या जो भी मुझे भी कन्फर्म नहीं है। बट यहाँ पर इतना तो ज़रूर है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो फेसबुक है वो भी थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, फेसबुक का जो लाइट वर्जन है। और लास्ट वन चीज़ की जो लोग यार वेट कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम डार्क मोड क्यों नहीं ला रहा, तो पता नहीं डार्क मोड इंस्टाग्राम वालों का अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, जिन्होंने बोला नहीं है कि वो इंस्टाग्राम का कोई भी डार्क मोड लाने वाले हैं, तो अभी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया। और इंस्टाग्राम को फिलहाल आपको जो नॉर्मल वर्जन है उसी में यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हेयर एज अ ट्रिक जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम को भी एज अ डार्क मोड यूज़ कर पाओगे। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र यूज़ करना है और आपको instagram.com पर जाना है। आप नॉर्मली ऐप पर नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको बस ऐसे जस्ट बता देता हूँ कि आपको कोई भी ऐसा वेब ब्राउज़र यूज़ करना है जिसमें आप डार्क मोड यूज़ कर सकते हो, वेब ब्राउज़र के अंदर आप डार्क मोड यूज़ कर सकते हो, तो आपको वो वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना होगा और उसमें डार्क मोड को या डार्क थीम को इनेबल कर देना होगा, और फिर आप instagram.com पे जाइए तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सकता है डार्क मोड जैसा। बट अगर आप ऐप की बात करो तो आप ऐप पे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, आपको नॉर्मल वाला ही मिलने वाला है। अगर आप Xiaomi यूज़र नहीं हो और आपको फिर भी आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, आपके लिए एक अल्टरनेटिव है मेरे पास। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में बहुत सारे लॉन्चर्स अवेलेबल हैं, उसमें एक लॉन्चर है नोवा लॉन्चर, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कमाल का लॉन्चर है, और इस ऐप में आपको डार्क थीम का भी फीचर मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले नोवा लॉन्चर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इसे अप्लाई करना होगा एज अ होम स्क्रीन। तो आपको सिंपली इसको यूज़ करना है और अप्लाई कर देना है होम स्क्रीन पर। चलिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। मैंने अपने फ़ोन में नोवा लॉन्चर ऐप इंस्टॉल कर लिया है एंड यहाँ पर उसे एज अ होम स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में नोवा लॉन्चर में। अब आप किस तरह से इसमें नाइट मोड या डार्क थीम यूज़ करोगे, तो आपको एक नोवा सेटिंग्स करके ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है, उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नाइट मोड का। तो आपको सिंपली नाइट मोड को जाना है और इसे ऑन कर देना है, और यहाँ पर नीचे आपको कुछ डार्क थीम मिल जाते हैं, किन किन चीज़ों पर ये डार्क थीम काम करेगा, तो आपको उन सबको टिक कर देना है या फिर अपने रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो आपको सबको ऑन कर देने के बाद आपको सिंपली बैक करना है, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का डार्क थीम मिल जाएगा आपको यहाँ पर। नॉर्मली जो नोवा का जो चीज़ें हैं वहाँ पर तो आपको डार्क थीम देखने को मिलेगा, सर्च बार वगैरह में भी आपको डार्क थीम देखने को मिल जाएगा, बट अगर आप जाते हो सेटिंग्स में तो वहाँ पर आपको डार्क थीम देखने को नहीं मिलेगा, मतलब फ़ोन उनके सेटिंग्स में वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट वाला ही रहने वाला है। आई होप गाइस कि आपको यार ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, तो काफ़ी सारा मुझे रिसर्च करना पड़ा और काफ़ी कुछ करने के बाद इस वीडियो को बना पाया। आपको यार क्या करना है, आपको यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है, और आप यार इस चैनल पर न्यू हो तो आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस करना है, और यहाँ पे जो ऑल नोटिफिकेशन रहते हैं उस पर ऑप्शन पर जाके यहाँ पे ऑल पे टैप करना है, और यहाँ पे इंक्लूड क्रिएटर पोस्ट को ऑन करना है, और उसके बाद आपको ओके करना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स आपको मिल पाए, स्पेशली आपको कम्युनिटी पोस्ट और स्टोरीज़ के अपडेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना है, और यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर